फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ जो कि और 45 इसकी हिप है, 4 साइज की है। तो हम सबसे पहले इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर फ्रेंड्स हम 6 लेंगे क्योंकि नेक जैसा कि आप देख ही रहे हैं बड़ा है, जिसका नेक बड़ा होता है तो शोल्डर हम थोड़ा कम लेते हैं। आर्म होल हम फ्रेंड्स 6.5 लेंगे क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। फोर्टी फोर का हम 4 भाग करेंगे, यानी कि 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 आता है। 4 से डिवाइड करने के बाद और 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। 2 रखना चाहें 2 रख सकते हैं, अगर 1.5 डेढ़ इंच रखना चाहते हैं तो डेढ़ भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स हम कमर की मार्किंग के लिए ऊपर से 14 लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कमर की मार्किंग का नाप है और यहाँ से हम 21 लेते हैं फ्रेंड्स। तो जहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी है वो हमारा 14 पे आएगा। कमर की मार्किंग के लिए 14 लेना है और हिप की मार्किंग के लिए 21 लेना है। लेंथ है फ्रेंड्स ये। अब जहाँ पर हमने कमर की मार्किंग की है वहाँ पे एक लाइन कर लेंगे और हिप की मार्किंग के लिए भी एक लाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। स्ट्रेट लाइन करनी है, ये देखिए। अब कमर जितना है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 है फ्रेंड्स। कमर 36 को 4 से डिवाइड करना है, 36 को 4 से डिवाइड करना है तो हमारा 9 आता है और 2 इंची हम फ्रेंड्स कटिंग के लिए रखेंगे। इसी टाइप से हिप जितना है, हिप हमारा फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया 45 है तो 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11.25 आता है फ्रेंड। तो हम 11.25 रखेंगे और 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। ये हम फोल्डिंग के लिए करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, उसी टाइप से मिलाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा अंदर डीप नहीं करेंगे। ये देखिए इस टाइप से, ये हमारी फिटिंग की लाइन है। और ये हमारी कटिंग की लाइन है फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से लाइन कर लेंगे। नीचे फ्रेंड्स लेस लगी हुई है इसलिए लेस को हम नहीं करेंगे कुछ भी और हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों हमारी जो कटिंग की लाइन है एक और एक हमारी फिटिंग की लाइन है, जहाँ हमारे चाक फोल्ड होंगे वो दोनों लाइन है। दोनों लाइन को इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट नीचे तक, 38 तक करना है फ्रेंड्स। डेढ़ इंची मैंने प्लस किया है। अगर हाथ की सिलाई करनी है तो हम 2 इंची करते हैं, सिलाई वाला है, नीचे फोल्ड वाला है तो हम डेढ़ जो हमारा आर्म होल है उसकी गोलाई करेंगे बैक साइड की और फ्रंट की। तो ये मैं अब फ्रंट की कर रही हूँ। 6.5 है, 6.5 का हमने हाफ किया तो 3.25 हो गया और 3.25 से हमने 1/2 इंची अंदर की साइड ले लेना है फ्रेंड्स और उसको हम ऊपर से गोलाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पीस की गोलाई है, 1/2 इंची के ऊपर रखनी है और इधर से बैक साइड की गोलाई देनी है फ्रेंड्स। चेस्ट ज़्यादा है इसलिए हम 1.5 इंची रखेंगे और ये गोलाई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से इसकी गोलाई होगी। एक बाहर की कटिंग करेंगे, मतलब बैक साइड के पीस की कटिंग करनी है। अब हम फ्रेंड्स नीचे से कटिंग करेंगे क्योंकि ऊपर से मेरा हाथ नहीं जा रहा है कटिंग के लिए। उसी टाइप से
कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पीस को अलग करेंगे फ्रेंड्स और फ्रंट की कटिंग करेंगे। अलग कर लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। ये हमारा इतना ही कपड़ा बचा है, 5 इंची ही, मगर मुझे स्लीव्स चाहिए, 4 इंची रेडी मतलब शॉर्ट स्लीव्स चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। और जितना चेस्ट है उसका 4 भाग रखेंगे। इधर से हम 3 इंची रखेंगे, ये देखिए, और 3 पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से हम इसको क्रॉस ले लेंगे। और फिर इसको हम नापेंगे, जितना हमारा होगा उसका हमें हाफ करना है। 9 का 4.5 होता है आधा भाग, और फिर हम आधे पे 1/2 इंची की गोलाई देंगे, ये देखिए इस टाइप से, और इसको कट कर लेंगे। जितनी मोरी है उतनी मोरी रखेंगे, ये देखिए। इधर से 2 इंची पे मार्क करके रखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस टाइप से। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से कट करते हैं। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज ये मैंने 44 साइज़ की कुर्ती की कटिंग की है। और फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, 44 साइज़ की कुर्ती की कटिंग की वीडियो किसी ने मुझसे मांगी है, इसीलिए मैंने आपके साथ में भी शेयर किया है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स।